गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि, रंजना, वेद प्रकाश, प्रशांत, रतन कौशल, अजय श्रीवास्तव, चंद्रकांत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जीन रेगुलेशन के बारे में, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, साथ में जीन्स क्या है, होमो, और जो हम लोग कई सारे जीन्स के अलग अलग टर्म यूज़ कर रहे थे, जैसे हाउस कीपिंग जीन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या है, रेगुलेटरी जीन्स क्या है या रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जीन्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओपेरॉन किसे कहते हैं और जनरली ओपेरॉन कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, ओपेरॉन का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जीन्स का ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम पर कैसे होता है या किस स्ट्रक्चरल यूनिट में वो ऑर्गेनाइज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और सिंपल रेगुलेशन की स्ट्रेटजी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन्स को कैसे सिंपली कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं और प्रोकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जीन्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं हम लोग उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, एक ही सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर है, उसका मेन क्रोमोसोम है, ठीक है, और जिसे आप लोग प्लाज्मिड कहते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। तो बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, उसी क्रोमोसोम पर उसके सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी क्रोमोसोम पर सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और उसी पर उसके सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। वो जीन्स किस तरह ऑर्गेनाइज हैं पहले उसको जानेंगे, और देन रेगुलेशन की क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो मैं ग्रीन कलर के मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जीन्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, क्रोमोसोम पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इस पॉइंट को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो आगे यूकैरियोटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है, तो वहां पर हम कंपेयर भी करेंगे कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जीन ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। जीन ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग हो जाती हैं अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। यूकैरियोट्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रोमेटिन में होते हैं, हाईली फोल्डेड स्टेट में होते हैं, तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी काफ़ी कह सकते हैं हद तक जीन एक्सप्रेशन में इंटरफियर करता है, और कैसे करता है उसको हम यूकैरियोटिक सिस्टम में जानेंगे। प्रोकैरियोट्स में जीन्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक यूनिट स्ट्रक्चर में जिसे ओपेरॉन कहते हैं। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स में जीन्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप सिंपली पहले मुझे सुने और देन इसके बाद आप ओपेरॉन को इजीली समझ जाएंगे कि ओपेरॉन क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि बैक्टीरिया में कई सारे जीन्स एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिसे ओपेरॉन कहते हैं, उसे नाम देते हैं ओपेरॉन। बैक्टीरिया में जीन ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल यूनिट है ओपेरॉन। ओपेरॉन इज द यूनिट ऑफ जीन ऑर्गेनाइजेशन, जीन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है ओपेरॉन। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ओपेरॉन है क्या, ओपेरॉन कहते किसे हैं? तो आप सिंपली समझ लें बैक्टीरिया में जीन ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट स्ट्रक्चर को ओपेरॉन कहते हैं। अभी हम लोग और कुछ नहीं कह रहे कि उसमें कितने जीन हैं और क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ जीन्स
ऑर्गेनाइज होते हैं एक यूनिट स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपने कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट यूनिट स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनको हम ओपेरॉन कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि उसमें कितने जीन्स हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल जीन्स, कई सारे जीन्स एक सिंगल यूनिट में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उसमें कई सारे जीन्स में कितने जीन्स हो सकते हैं, तो वो 2 से लेकर के 20 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक ओपेरॉन में नंबर ऑफ जीन्स 2 भी हो सकते हैं, उनका नंबर 2 भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है और 20 तक भी जा सकता है। तो आप सिंपली समझ लें, मोर देन 1 जीन्स होंगे जो एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होंगे, उस यूनिट स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या हो गया? यूनिट ऑफ जीन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जीन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट क्या है? ओपेरॉन है। अब ओपेरॉन में जीन कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ लें कि जब हम किसी ओपेरॉन में एक से ज्यादा जीन रखेंगे, एक सिंगल यूनिट में हम एक से ज्यादा जीन्स को प्लेस कर रहे हैं, एक ओपेरॉन एक सिंगल यूनिट है और इसमें एक से ज्यादा जीन है, तो कौन से जीन्स को रखा जाए, उस ओपेरॉन में कौन से जीन्स होंगे? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी ओपेरॉन में पाए जाने वाले जीन्स जनरली, या कहें उन जीन्स के प्रोडक्ट जनरली किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइम्स हैं, तो यदि ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होनी है तो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, 10 एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो यदि हम उन 10 एंजाइम्स को कोड करने वाली जीन्स को एक यूनिट में ऑर्गेनाइज कर लें, तो सभी जीन्स जितने भी हमें एंजाइम्स चाहिए वो एक यूनिट से हम ट्रांसक्राइब कर लेंगे। तो जनरली किसी भी ओपेरॉन में जो जीन्स प्लेस होते हैं, जो जीन्स क्लस्टर में पाए जाते हैं, उन जीन्स के प्रोडक्ट किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, या फिर सुगर कैटाबॉलिज्म। इस तरह से वो एक पूरा सेट ऑफ जीन्स वहां प्रेजेंट है जो किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे के लिए एंजाइम कोड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बैक्टीरिया जीन्स दैट हैव रिलेटेड फंक्शंस, रिलेटेड फंक्शंस का मतलब ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट इसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आर क्लस्टर्ड ऑन ऑन क्रोमोसोम इन ए फंक्शनल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ओपेरॉन। ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स कोड करते हैं, वो सभी जीन्स एक सिंगल फंक्शनल यूनिट में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसे हम लोग ओपेरॉन कहते हैं, नाम देते हैं ओपेरॉन। अब क्वेश्चन उठता है कि ओपेरॉन में जीन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ओपेरॉन किसका बना होता है, हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं। तो जनरली आप समझ लें, टिपिकल ओपेरॉन, यदि हम फॉर एग्जाम्पल एक ओपेरॉन को रखें तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और सभी स्ट्रक्चरल जीन्स एक सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं, सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं। तो किसी भी ओपेरॉन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें मल्टीपल जीन्स मिलेंगे और एक सिंगल प्रमोटर मिलेगा, केवल एक प्रमोटर हमें मिलेगा, हमें कई सारे जीन्स मिलेंगे और प्रमोटर हमें एक मिलेगा, और उसी सिंगल प्रमोटर से उन सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखिए, ये मैं डीएनए बना रहा हूं, अंडरस्टूड है, बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है, मैं डीएनए का कुछ पोर्शन यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल ओपेरॉन को आपके सामने मैं रखता हूं, एक ओपेरॉन है जिसमें कई, यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 जीन्स हैं, ठीक है, ए है, बी है एंड सी, ये 3 जीन्स हैं, और ये सभी जीन्स एक सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में है, एक सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में है, ये इसका प्रमोटर है, प्रमोटर। प्रमोटर के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं प्रमोटर क्या है। तो प्रमोटर वो साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। देखिए, किसी भी ओपेरॉन को जब हम स्टडी करते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको जानना है कि उस ओपेरॉन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स कितने हैं।
स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब हो गया कि वो जीन्स जो ट्रांसक्राइब होंगे आरएनए में और देन उनसे प्रोटीन प्रोडक्ट बनेगा, एक या फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन कोड होगा। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी भी ओपेरॉन में जब हम स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करते हैं तो ओपेरॉन का वो पूरा पोर्शन जो ट्रांसक्राइब होने वाला है उसे भी हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो यदि आप स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में नहीं जानते हैं तब भी आप ये समझ लें, जो स्ट्रक्चरल पोर्शन बोला जा रहा है उसका मतलब है कि ओपेरॉन का वो पोर्शन जो किसी आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा उसे हम स्ट्रक्चरल पोर्शन बोलेंगे। उस पोर्शन में दो जीन्स, तीन जीन्स या और भी ज्यादा जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, यदि यहां पर देखें तो मैंने तीन जीन्स को ऑर्गेनाइज किया है, ए, बी एंड सी। तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल प्रमोटर से होगा, जो ए जीन के अपस्ट्रीम है। एक सिंगल प्रमोटर से ये तीनों जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे। तो ए, बी एंड सी आर दी स्ट्रक्चरल जीन्स। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं क्योंकि इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ट्रांसक्राइब होते हैं एक सिंगल प्रमोटर से। सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं। जनरली हम इस बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ओपेरॉन कहते हैं। तो तीन जीन से ए बी सी और एक सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। हम इस पूरे यूनिट स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं ओपेरॉन। इस पूरे यूनिट स्ट्रक्चर को ओपेरॉन कह सकते हैं। अभी मैं आगे कुछ पॉइंट और डिस्कस करूंगा, पहले आप समझ लें, इसे हम ओपेरॉन कहेंगे। और कौन से एलिमेंट्स होंगे उनको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो कभी भी ओपेरॉन के बारे में जब आपको समझना है, क्योंकि यदि आप ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ रहे तो आगे लैक ओपेरॉन या ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन या रेबिनोज ओपेरॉन जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ओपेरॉन के बारे में ही जानना है कि ओपेरॉन क्या है। तो मल्टीपल जीन्स एक सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं। ठीक है, हम इस पूरे यूनिट स्ट्रक्चर को ओपेरॉन कहते हैं। अगला को जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक ओपेरॉन में जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं दे ट्रांसक्राइब्ड इन ए सिंगल आरएनए। एक सिंगल आरएनए में ये ट्रांसक्राइब होते हैं। जब भी किसी ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक सिंगल प्रमोटर से होगा और सभी जीन एक सिंगल आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इन सभी का प्रमोटर एक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रमोटर का। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, मुझे यस और नो में बताएं। जितना बेहतर आप ओपेरॉन स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे उतना ही आसान आपको आगे लैक ओपेरॉन या किसी भी ओपेरॉन को पढ़ने में होगा। ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैंने आपको ओपेरॉन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा लिया या ओपेरॉन स्ट्रक्चर को आपको समझा लिया तो आगे बहुत आसान होंगे, किसी भी ओपेरॉन को पढ़ना बहुत आसान होगा। यदि आप सीएसआईआर में जाएं तो हाइपोथेटिकल ओपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे सामने रखे जा चुके हैं। तो यदि एज ए स्टूडेंट आप ओपेरॉन सिस्टम को बेहतर समझते हैं तो किसी भी ओपेरॉन की स्टडी करना, उसके रेगुलेशन को समझना आपके लिए आसान होगा और हमारे लिए समझाना आसान होगा। ठीक है, चल इन तो मैंने आपको ओपेरॉन के बारे में बताया। एक टिपिकल ओपेरॉन की यदि हम लोग बात करें, टिपिकल मतलब एज ए एग्जाम्पल, ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। यदि हम एक ओपेरॉन की बात करेंगे तो उसमें सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जिनका नंबर, एक क्वेश्चन ऐसा भी है आप अलग अलग टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वो एक ओपेरॉन में मिनिमम कितने जीन्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक ओपेरॉन में मिनिमम कितने स्ट्रक्चरल जीन्स या कितने जीन्स हो सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम दो जीन्स, एक सिंगल जीन का ओपेरॉन नहीं हो सकता है। ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट ही है कि मल्टीपल जीन्स, मोर देन वन जीन। तो मिनिमम दो जीन्स हो सकते हैं किसी भी ओपेरॉन में, और मैक्सिमम तो मोर देन 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, ए टिपिकल ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, अर्थात मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। ठीक है, ए सिंगल प्रमोटर, किसी भी ओपेरॉन में प्रमोटर एक होगा, जीन्स का नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल प्रमोटर होगा। एंड ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए सिंगल प्रमोटर इन ए सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। एंड एडिशनल सीक्वेंसेस दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन, एडिशनल सीक्वेंसेस में ऑपरेटर आ सकते हैं या दूसरे रेगुलेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ एन ओपेरॉन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर एंड ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर इनटू ए सिंगल एमआरएनए। जितने भी ओपेरॉन होते हैं, अब मैं फाइनली कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, काफी कुछ मैं बोल चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। जब हम किसी ओपेरॉन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो एक ओपेरॉन में मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब हो गया कि वो जीन्स जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होंगे उनको स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। और इस एग्जाम्पल में यहां पर तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ए, बी एंड सी, और ये एक सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं। अर्थात ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा तो सबसे पहले ए जीन ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए पॉलीमरेज ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन खत्म करके कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ेगा बी जीन, एंड देन सी जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। और ये तीनों जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसक्राइब हो जाएगी। तो प्रमोटर एक है और एक सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होंगे। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी समझ लें, यदि हमें सी जीन को ट्रांसक्राइब करना है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है केवल और केवल सी जीन को ट्रांसक्राइब करने का। यदि सी जीन ट्रांसक्राइब होगा तो ट्रांसक्रिप्शन इसी ए जीन के, ठीक है, इस प्लस पॉइंट से शुरू होगा। अब यहां से +1 ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत ए जीन के 5 प्राइम एंड से शुरू होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरू होगा और देन सी तक पहुंचेगा। कहने का मतलब किसी भी ओपेरॉन में प्रेजेंट किसी एक इंडिविजुअल जीन का ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी जीन्स एक सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल किए जा रहे हैं या वहां से उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसी वजह से सभी जीन्स एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसक्राइब होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये जीन्स एक सिंगल आरएनए में ट्रांसक्राइब हो गए और यदि ये सभी जीन कोड करते हैं एमआरएनए, तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे हो? तो आप सभी लोग एमआरएनए, एमआरएनए स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसी भी एमआरएनए में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG, एंड देन टर्मिनेशन कोडॉन UAA, और UAA में क्यों बना रहा हूं आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर का जो रीजन है उसे हम लोग 5' UTR कहते हैं। ठीक है, 5' UTR, और जो नीचे का रीजन है उसे हम 3' UTR कहते हैं। ये जो पोर्शन आ जाएगा इसे 3' UTR बोला जाएगा। ये जो इनिशिएशन कोडॉन से टर्मिनेशन कोडॉन तक का पोर्शन है इसे हम लोग ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो यहां पर आपको ध्यान देना है ए बी और सी जीन के अपने डिस्क्रीट ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, सभी के अपने ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे। आपको ध्यान देना है AUG UAA इस तरह से, या मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं ए और बी के बारे में, सबके अपने अपने ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे ORF। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे, इन तीनों का अलग अलग ट्रांसलेशन हो जाएगा। और जब ये ओपन रीडिंग फ्रेम इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेट होंगे सेपरेट राइबोसोम्स के थ्रू, तो फिर बनने वाली प्रोटीन भी अलग अलग होंगी। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि एक ओपेरॉन में मिलने वाले सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होता है या एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, तो आंसर है सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में। लेकिन क्या उस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसलेशन भी एक सिंगल प्रोटीन में होता है? तो आपका आंसर है नहीं, सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में नहीं होता है।
बल्कि सभी जीन्स के ओपन रीडिंग फ्रेम के पास अपनी इंफॉर्मेशन है, उनके अपने इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन है। इस वजह से जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स किसी ओपेरॉन में पाए जाते हैं, सभी स्ट्रक्चरल जीन्स के ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंटली सेपरेट राइबोसोम के थ्रू होता है, उनके द्वारा होगा। इससे और इस वजह से बनने वाली प्रोटीन्स भी अलग अलग होंगी। तो बैक्टीरिया देखिए थोड़ा स्मार्ट है हम लोगों से, उसने अपने एक ही आरएनए में और कई सारी जीन्स को ट्रांसक्राइब कर लिया। इसका फायदा ये हुआ कि सभी जीन को यदि अलग अलग ट्रांसक्राइब करते तो सभी के लिए इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन एक समय पर यदि सभी जीन को ट्रांसक्राइब करना होता तो 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती। यदि सभी जीन्स को इंडिपेंडेंटली एक ही समय पर ट्रांसक्राइब करना हो तो 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड। डिफरेंट का मतलब यह नहीं है कि वो अलग अलग हो, 3 आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि यहां पर बैक्टीरिया ने बड़ी स्मार्टली तीनों जीन्स को एक सिंगल आरएनए में ट्रांसक्राइब कर लिया, अर्थात तो सभी जीन्स के लिए इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन नहीं करना पड़ेगा। एक बार इनिशिएशन करना है, एक बार ही इलोंगेशन में जाना है, एक बार ही टर्मिनेशन में जाना है, और सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब कर लिया। उन सभी जीन्स जिनके प्रोडक्ट किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले हैं, लेकिन ट्रांसलेशन अलग अलग कर लिया सभी के ओपन रीडिंग फ्रेम का सेपरेट राइबोसोम्स के थ्रू। इस वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बन गए और समय इसने रिड्यूस कर लिया, रिस्पॉन्डिंग समय जो है प्रोटीन सिंथेसिस का जो समय है वो रिड्यूस कर गया है, तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं। यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है महिमा, बलराम, रंजना, मोहित, मनोज, अंजलि, चंद्रकांत, प्रशांत, अजय। ठीक है अजय, सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब मैं यहां पर एक पॉइंट आपके सामने और रखना चाहूंगा कि जिसको मैंने अभी यहां पर नहीं रखा, केवल इस वजह से क्योंकि ओपेरॉन को आप समझ सकें। जब भी हम ओपेरॉन में आते हैं तो जीन्स मल्टीपल होंगे और सभी जीन्स एक सिंगल प्रमोटर से ही ट्रांसक्राइब होंगे। इसका मतलब ये हुआ मल्टीपल जीन्स एंड ए सिंगल प्रमोटर, ये इसेंशियल स्ट्रक्चर है किसी भी ओपेरॉन के। लेकिन बैक्टीरिया में आप जानते हैं कि प्रमोटर के साथ साथ जनरली ऑपरेटर भी प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। तो जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एडिशनल सीक्वेंसेस दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन, वो एडिशनल सीक्वेंसेस ऑपरेटर हो सकते हैं। और जनरली ऑपरेटर प्रमोटर के 3 प्राइम एंड पर होते हैं या 3 प्राइम एंड के साथ ओवरलैप करते हैं या प्रमोटर के बहुत क्लोज होते हैं। तो मैं यहां पर एक बार फिर एक ओपेरॉन स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जब कभी भी आप किसी भी ओपेरॉन के बारे में जाएंगे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है कि जब हम ओपेरॉन की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ओपेरॉन में एक प्रमोटर होगा, जो प्रमोटर का नंबर होगा वो एक सिंगल प्रमोटर होगा। ठीक है, ये इसका इसेंशियल स्ट्रक्चर है, सिंगल प्रमोटर होगा। ठीक है, उसमें मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं जेड वाई एंड ए, मैं यहां पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स लिख रहा हूं। एक को मैंने लिखा है जेड, ठीक है, सेकेंड वन इज वाई एंड थर्ड इज ए। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। इस प्रमोटर के साथ साथ एक ऑपरेटर भी प्रेजेंट है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में एक और डीएनए
सेगमेंट है, सीक्वेंस है, जिसे हम ऑपरेटर कह रहे हैं, ये हो भी सकता है मोस्ट ऑफ केसेस में बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल जो ओपेरॉन है वो निगेटिवली कंट्रोल्ड होते हैं, उनका पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक जो जीन ऑर्गेनाइजेशन है, जीन कंट्रोल है, वो निगेटिव कंट्रोल में होता है, इस वजह से ऑपरेटर जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा मैंने जो पहले ओपेरॉन बनाया हुआ है, उस ओपेरॉन से नीचे वाले ओपेरॉन में बस एक चेंज कर दिया है ऑपरेटर का, तो प्रमोटर के साथ साथ जो दूसरे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो सकते हैं उसमें मेनली ऑपरेटर होता है, तो ओपेरॉन के साथ ऑपरेटर भी एसोसिएटेड हो सकता है एज ए रेगुलेटरी एलिमेंट। और जनरली ये ऑपरेटर, जैसा मैंने कल भी बताया था, ये प्रमोटर के 3 प्राइम एंड पर होता है। यहां पर ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और यदि मैं आपसे पूछूं रिस्पॉन्स के बारे में, तो आप कहेंगे इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, लेकिन इनका सभी का ट्रांसलेशन अलग अलग होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत प्रमोटर से होगी, ये आप बेसिकली बता सकते हैं। तो सभी ओपेरॉन में जीन्स का नंबर बदलेगा, लेकिन उनके जीन्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग सभी में सेम होता है। रतन कौशल ने कहा है सर, ट्रांस स्प्लाइसिंग की हेल्प से सेपरेट किया जाएगा जीन के एमआरएनए को। तो रतन जी, ट्रांस स्प्लाइसिंग यूकैरियोट्स में पाया जाता है, बैक्टीरियल एमआरएनएज में, प्रोकैरियोटिक एमआरएनएज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिंग या स्प्लाइसिंग, पॉलीएडनाइलेशन, ये इस तरह के मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। स्प्लाइसिंग यदि हम बात करेंगे तो सिस स्प्लाइसिंग है, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ट्रांस स्प्लाइसिंग। जो ट्रांस स्प्लाइसिंग है ये रेयर है, ट्रांस स्प्लाइसिंग बहुत कॉमन नहीं है, ये रेयरली पाया जाता है, और कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स में है, ठीक है, जैसे ट्रिपेनोसोम्स में पाया जाता है उनके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बैक्टीरिया में जो एमआरएनए किसी भी ओपेरॉन का प्रोड्यूस होता है, उसमें जो सिंगल आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, उसको कट करके अलग नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लें, मैं इस पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करना चाहूंगा। जो ये एमआरएनए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दैट ये जो पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन्स का, जब ये ट्रांसक्राइब होगा एक सिंगल आरएनए में, आप सभी लोग ध्यान दें, ये एक सिंगल आरएनए में इसे ट्रांसक्राइब कर लिया, ये 3 जीन्स हैं ZYA, एक सिंगल आरएनए में ट्रांसक्राइब हो गए, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में सभी जीन्स के अपने अपने ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे, AUC एंड UAA, ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया Z के लिए, ये ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया Z के लिए। देन जो Y जीन है उसका अपना ओपन रीडिंग फ्रेम होगा U, ठीक है, AUZ, इनिशिएशन कोडॉन एंड देन टर्मिनेशन कोडॉन UAA, ये सेकेंड ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया ORF, ये हो गया Y के लिए, एंड देन इनिशिएशन कोडॉन A जीन का होगा, ठीक है, AUZ एंड UAA, आप ऐसे समझ सकते हैं, 3 ये अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। और जो ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं ये A के लिए हो गया, तो बैक्टीरिया में अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम को अलग अलग राइबोसोम्स आके ट्रांसलेट करेंगे, ये राइबोसोम यहां पर बाइंड करेगा और इतने पोर्शन को ट्रांसलेट कर लेगा एक सिंगल प्रोटीन में, एक सिंगल प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है, जो जेड जीन का प्रोडक्ट होगा। जब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो राइबोसोम यहां बाइंड करेंगे इनिशिएशन कोडॉन पर, और देन इस पोर्शन को ट्रांसलेट करेंगे जिससे दूसरी प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के ओपेरॉन सिस्टम में जितने भी जीन्स एक आरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं, उनका आरएनए ट्रांसक्राइब होने के बाद कट नहीं किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता है, ट्रांस स्प्लाइसिंग नहीं कह सकते। ट्रांस स्प्लाइसिंग में दो अलग अलग एमआरएनएज के
प्रोटीन कोडिंग रीजंस सफल होकर के एक साथ एक सिंगल यूनिट में आते हैं, हम उस प्रोसेस को ट्रांससप्लाइसिंग कहते हैं। आकाश कुमार पात्रा, आकाश जी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आकाश जी आप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं रतन, प्रोटीन क्लीव नहीं की जाएगी। प्रोटीन अब यहां पर भी आपको समझना है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आपकी ओपन रीडिंग फ्रेम को लेकर के है। मुझे लग रहा है रतन आपकी प्रॉब्लम ओपन रीडिंग फ्रेम को लेकर के है। जो ओपन रीडिंग फ्रेम है वो एक सिंगल प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, और किसी भी एक ओपन रीडिंग फ्रेम से कोड होने वाली प्रोटीन एक होती है, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एंजाइम है, इनको क्लीव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहां पर स्मार्टली बैक्टीरिया ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन एक आरएनए में कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन एक आरएनए में कर लिया, लेकिन देन ट्रांसलेशन उसने जो इंफॉर्मेशन थी जीन की, जीन की इंफॉर्मेशन जब आप किसी एमआरएनए को पढ़ते हैं, मुझे लग रहा है रतन जी आपको प्रॉब्लम एमआरएनए को लेकर के, जब हम किसी एक सिंगल एमआरएनए को पढ़ते हैं तो सिंगल एमआरएनए का ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, ये यदि एक एमआरएनए है तो पूरा का पूरा एमआरएनए कोडिंग नहीं होता है, पूरा का पूरा एमआरएनए कोडिंग नहीं होता है, बल्कि जो कोडिंग रीजन है वो शुरू होता है इनिशिएशन कोडॉन एयूजी से, और जो टर्मिनेशन है, जो एंड है इंफॉर्मेशन प्रोटीन कोडिंग इंफॉर्मेशन की, वो टर्मिनेशन कोडॉन के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आप देखें एमआरएनए का ये टर्मिनेशन कोडॉन के बाद का भी ये पोर्शन है 3 प्राइम एंड पर और ये पोर्शन 5 प्राइम एंड पर है, तो इन एंड्स को यूटीआर कहते हैं, 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, और जो एमआरएनए में कोडिंग रीजन होता है उसे ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। तो जब जेड जीन को ट्रांसक्राइब करेंगे तो जेड जीन ट्रांसक्राइब हो गया, तो जेड जीन का ओपन रीडिंग फ्रेम ये है। जब हम आगे जाएंगे तो ये यूटीआर रीजन हो गया जेड के लिए, ये जेड के लिए यूटीआर रीजन है, लेकिन वाई के लिए ये 5 प्राइम यूटीआर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, वाई के लिए 5 प्राइम यूटीआर है, देन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के बाद दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम शुरू हो रहा है जो वाई का है, एयूजी कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन यूएए तक आ रहा है, ये वाई का ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया। और यदि इस ओपन रीडिंग फ्रेम से ऊपर का रीजन देखेंगे तो ये हो गया 5 प्राइम यूटीआर और ये हो गया 3 प्राइम यूटीआर। तो एक ही एमआरएनए में ओपन रीडिंग फ्रेम एक से ज्यादा है। अब मैं इसी पॉइंट को यहां पर रख रहा हूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए नाम तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए किसे कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए किसे कहते हैं, तो ऐसे एमआरएनएज जिसमें एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोडिंग इंफॉर्मेशन होगी उन्हें हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनएज कहते हैं, या फिर मैं सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं ऐसे एमआरएनएज जिनमें मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम पाए जाते हैं उन्हें हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं, उन्हें हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कह देते हैं। मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम यदि पाया जाता है तो उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, और किसी भी ऑपेरॉन में इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है कि सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक एमआरएनए में है लेकिन ट्रांसलेशन उनकी कोडिंग इंफॉर्मेशन का अलग अलग है। उम्मीद कर रहा हूं रतन जी आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है रतन चंद्रकांत, ठीक है, चलिए मैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की बात करता हूं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए किसे कहते हैं, देखिए जब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं ओपेरॉन मॉडल में, सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का एक आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होना, उनके अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट सेपरेट राइबोसोम्स के थ्रू होना, तो अलग अलग प्रोटीन का प्रोड्यूस होना, ठीक है,
वहीं पर हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए को भी डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए किसे कहते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया पॉलीसिस्ट्रोनिक किसे कह रहे हैं, तो ऐसे एमआरएनए जो कंटेन करते हैं, ठीक है, जिनके पास होते हैं कंटेन मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसके पास मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे जिस एमआरएनए में, उसे हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो ओपेरॉन के जीन्स जिस आरएनए में ट्रांसक्राइब होके आ रहे हैं, या मैं कहूं जब किसी ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन किसी आरएनए में आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, तो उसी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। यदि एक जीन एक ही एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होता है तो मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, जो यूकैरियोट्स में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, महक ने कहा है बैक्टीरिया हैज पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, बिल्कुल ठीक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक इसी वजह से कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक हम कहते ही क्यों है, क्योंकि मल्टीपल जीन्स को एक सिंगल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, तो सभी जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही ट्रांसक्रिप्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंफॉर्मेशन मिक्स हो गई, सभी की इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली अलग अलग पोर्शन पर प्रेजेंट है, जिसको अलग अलग ट्रांसलेट कर लेंगे, इसी वजह से इनको पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। क्या आप सभी लोग ओपेरॉन समझ पा रहे हैं? ओपेरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जीन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स। ईच ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स एंड ए सिंगल प्रमोटर, इंक्लूडिंग समटाइम्स अदर रेगुलेटरी एलिमेंट्स सच एज ऑपरेटर, या जनरली आप कह सकते हैं प्रमोटर एंड ऑपरेटर। तो रेगुलेटरी एलिमेंट में प्रमोटर ऑपरेटर मिलेंगे, मल्टीपल जीन्स मिलेंगे। जो जीन्स मिल रहे हैं उन्हें स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्राइब होते हैं आरएनए में, और यदि वो एमआरएनए हैं तो देन इसके बाद वो प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएंगे। जो एंजाइम्स किसी एक ओपेरॉन की जीन से कोड होते हैं, दे जनरली इन्वॉल्व इन ए सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, या हम कह सकते हैं एचएमपी पाथवे। इस तरह से एक ही सिंगल पाथवे में वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल आरएनए में होगा। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? नमिता, गुड इवनिंग। आगे बढ़ा जाए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और कुछ पॉइंट चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप इस पॉइंट पर ध्यान दें। अब मैं ओपेरॉन को आगे, ओपेरॉन के बारे में जो और पॉइंट्स हैं वो आपके साथ रख रहा हूं। आपने नाम सुना है रेगुलेटरी जीन का या रेगुलेटर जीन। हर एक ओपेरॉन, ठीक है, कह सकते हैं ओपेरॉन को कंट्रोल किया जाता है एक और जीन से, या ये कह सकते हैं जो रेगुलेटर जीन होता है वो ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो रेगुलेटर जीन है, इसका प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब मैं इसे दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है, और उसको बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जब भी हम ओपेरॉन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सिंपल इमेज तो आ ही गई है कि एक प्रमोटर और कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स उस सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। प्रमोटर ये हो गया ओपेरॉन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ईच ओपेरॉन, या कहें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ईच ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाई द प्रोडक्ट ऑफ ए रेगुलेटरी जीन दैट प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द ओपेरॉन ऑन सेम डीएनए मॉलिक्यूल। जो ओपेरॉन होते हैं, जितने भी ओपेरॉन होंगे, सभी ओपेरॉन को कंट्रोल करने का एक और जीन होता है जिसे रेगुलेटर जीन कहते हैं। एक जनरल परसेप्शन में आप समझ लीजिए,
जितने ओपेरॉन होते हैं उन ओपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए, उनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक और जीन है जिसे हम रेगुलेटर जीन कहते हैं या रेगुलेटरी जीन कहते हैं। वो रेगुलेटरी जीन ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, वो ओपेरॉन सिस्टम से बाहर प्रेजेंट होता है ऑन सेम डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो एक ही है। तो जो रेगुलेटरी जीन है वो ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये है रेगुलेटरी जीन जो ओपेरॉन सिस्टम से बाहर है। इसका अपना प्रमोटर होता है, आप ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी जीन हैज इट्स ओन प्रमोटर, और ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है, ट्रांसक्राइब हुआ आरएनए में, और देन ट्रांसक्राइब होने के बाद ये ट्रांसलेट हो गया प्रोटीन में, ये ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। तो आप जरा ध्यान देंगे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको आप समझिए। ईच ओपेरॉन या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ईच ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय ए जीन कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। ट्रांसक्रिप्शन हर एक ओपेरॉन का कंट्रोल किया जाता है एक जीन से जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम दी ओपेरॉन, उस ओपेरॉन से आउटसाइड होता है ऑन सेम डीएनए मॉलिक्यूल, उसी डीएनए मॉलिक्यूल पर कहीं पर भी हो सकता है। मैंने यहां पर इसको बना दिया है, वो आगे भी हम लोग बना सकते हैं, आगे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसी डीएनए मॉलिक्यूल पर एक जीन और है जिसे हम रेगुलेटरी जीन कह रहे हैं, ठीक है। और ये रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन है, जो इस प्रोटीन भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी आरएनए भी हो सकता है। तो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट जनरली प्रोटीन होता है जो इस ओपेरॉन के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। तो जब भी आप ओपेरॉन पढ़ते हैं, जैसे लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो लैक ओपेरॉन को लैक आई जीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये लैक ओपेरॉन का रेगुलेटरी जीन है, और इसका जो प्रोडक्ट है उसे लैक रिप्रेसर के नाम से आप जानते हैं। तो जो आप रिप्रेसर या एक्टिवेटर पढ़ते हैं ओपेरॉन सिस्टम में, दे आर प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, ये प्रोडक्ट है रेगुलेटरी जीन के। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब हम ओपेरॉन पढ़ते हैं तो ओपेरॉन यूनिट अलग हो गया, लेकिन उसी ओपेरॉन के प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक जीन और है जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। उस ओपेरॉन का वो ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि उसी डीएनए मॉलिक्यूल पर वो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है। उस रेगुलेटरी जीन का अपना प्रमोटर होगा जिससे एक जो रेगुलेटरी जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हाउसकीपिंग मैनर में होता रहता है, ठीक है। रेगुलेटरी जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है जनरली हाउसकीपिंग होता है, वो लगातार ट्रांसक्राइब होते रहते हैं, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस प्रमोटर से इसके स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। तो ईच ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय ए जीन प्रोडक्ट कॉल्ड रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट। अब वो जीन प्रोडक्ट एक्टिवेटर भी हो सकता है, रिप्रेसर भी हो सकता है, यदि इसने स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट किया। यदि स्टिमुलेट करेगा तो एक्टिवेटर, और यदि इसने एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया तो इसे हम रिप्रेशर कहेंगे। तो अब आप ये क्वेश्चन उठता है कि एक्टिवेटर और रिप्रेशर कहां से आ गए। किसी ओपेरॉन में जब हम रेगुलेशन की स्टडी करते हैं तो वहां एक्टिवेटर का भी नाम लेते हैं और रिप्रेसर का भी नाम लेते हैं। तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि एक्टिवेटर रिप्रेसर आया कहां से, ये किसका प्रोडक्ट है। तो आप समझिए, बैक्टीरिया ने अपने हर एक ओपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी जीन भी इवॉल्व कर लिया है, उसका प्रोडक्ट इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब है वो इसको स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। यदि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करता है तो हम इस प्रोडक्ट को एक्टिवेटर कहेंगे, और यदि स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट ने इनहिबिट किया तो उसे हम रिप्रेशर कहेंगे, उसे हम रिप्रेशर कहेंगे। नहीं, रतन ने क्वेश्चन किया है क्या, बलराम का क्वेश्चन है रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर साइट। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान से दे सकते हैं, ये ओपेरॉन है और ओपेरॉन के अपस्ट्रीम मैंने जीन बनाया है,
मैं ये कह रहा हूं ये रेगुलेटरी जीन उसी डीएनए मॉलिक्यूल पर है जिस पर ओपेरॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि वो अप स्ट्रीम होगा या डाउन स्ट्रीम होगा, वो आगे भी हो सकता है अर्थात अप स्ट्रीम भी हो सकता है और उसके प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है या ओपेरॉन के डाउन स्ट्रीम हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जनरली हम लोग अपनी कॉपी या बुक में लेफ्ट से राइट लिखते हैं, इस वजह से जनरल प्रेजेंटेशन हम लोग कर देते हैं ओपेरॉन से पहले, रेगुलेटरी जीन को हम ओपेरॉन से पहले बना देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि रेगुलेटरी जीन ओपेरॉन के अपस्ट्रीम होता है, ये कोई रूल नहीं है, ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। रतन का क्वेश्चन ये है सर, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर एक ही होता है? तो नहीं, रेगुलेटरी जीन का अपना प्रमोटर होता है जिससे उसका ट्रांसक्रिप्शन हाउसकीपिंग मैनर में होता रहता है। देखिए ये है रेगुलेटरी जीन, ये इसका प्रमोटर है, इस प्रमोटर से इस रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा हाउसकीपिंग मैनर में और इसका प्रोडक्ट लगातार हमारी सेल में या बैक्टीरियल सेल में बनता रहता है। जबकि ओपेरॉन देखिए कुछ आगे प्रेजेंट है या और भी आगे हो सकता है, इसी वजह से रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट ट्रांसएक्टिंग होते हैं। आगे आपको सिस और ट्रांसएक्टिंग बताएंगे, ट्रांसएक्टिंग होते हैं रेगुलेटरी जीन के जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रांसएक्टिंग होते हैं, ठीक है, ट्रांसएक्टिंग और सिस एक्टिंग आपको बताएंगे। आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको लेकर के मत घबराएं कि मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूं तो सर बताएंगे नहीं या बहुत लेट हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता न करें। कोई भी यदि क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे क्लियर कर सकूं, मैं उसको कोशिश करूंगा मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो आप लिखने में घबराए नहीं, जो भी लिखना है आप लिखिए। तो एज ए स्टूडेंट आप ये समझ गए हैं कि जितने भी ओपेरॉन हैं उन सभी ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक जीन और भी है जो ओपेरॉन सिस्टम के बाहर है, ओपेरॉन सिस्टम के बाहर है और वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा अपना प्रोडक्ट इनकोड करके, उसका प्रोडक्ट जनरली प्रोटीन होगा और वो प्रोटीन प्रोडक्ट उस ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा भी सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है या वो इनहिबिट कर सकता है। इसी इनहिबिशन और एक्टिवेशन के बेस पर डिसाइड होगा कि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट एक्टिवेटर है या फिर रिप्रेशर है। तो एक्टिवेटर कैसे होगा, रिप्रेशर कैसे होगा, हम इसको यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। तो जरा आप ध्यान देंगे, अब मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं और इन चीजों को आप समझने की कोशिश करें। अब मैंने आपको जीन्स वगैरह ये सारी चीजें बता दी हैं, अब हम लोग डिस्कशन आगे ले चलते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, नेगेटिव रेगुलेशन होगा, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोग उन पॉइंट को डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं और क्वेश्चंस भी रखूंगा, आप उनका जवाब देंगे और बहुत ही आसान होगा, पूरी उम्मीद है मुझे आप लोग सही जवाब देंगे। ये है क्यू आर एस एन टी, एक हाइपोथेटिकल ओपेरॉन है जिसके चार जीन से क्यू आर एस टी, चार जीन से क्यू आर एस टी, फोर स्ट्रक्चरल जीन से, और इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल प्रमोटर से होता है, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल प्रमोटर से हो रहा है, ये इसका सिंगल प्रमोटर है और इसी प्रमोटर के साथ ऑपरेटर भी ओवरलैप कर रहा है, ये है, ठीक है। प्रमोटर वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, ठीक है। जो पहला स्ट्रक्चरल जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन क्यू है, पहला जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्यू है, ये क्यू आर एस टी फोर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल आरएनए में होगा, ये ट्रांसक्राइब होंगे एक सिंगल आरएनए में, आप समझ सकते हैं। इस ओपेरॉन को कंट्रोल करने वाला जीन, इस ओपेरॉन को कंट्रोल करने वाला जीन ए है, आप जरा ध्यान दीजिएगा,
कंट्रोल करने वाला जीन ए है, मैं हाइपोथेटिकल ओपेरॉन रख रहा हूं, तो ओपेरॉन, मैं इस ओपेरॉन को यक्स मान लेता हूं, ओपेरॉन यक्स है और इस ओपेरॉन का रेगुलेटरी जीन ए है जो ओपेरॉन सिस्टम से बाहर है, जनरली बाहर होता है, मैं बार बार बोल भी रहा हूं। इस रेगुलेटरी जीन का अपना प्रमोटर है जहां से इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में और देन आरएनए ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में, ये ट्रांसलेट हो गया प्रोटीन में। अब ये प्रोटीन आपको डिसाइड करनी है एक्टिवेटर है या ये रिप्रेशर है, ये प्रोटीन एक्टिवेटर है या रिप्रेशर है, इसका डिसीजन आपको करना है, इसका डिसीजन आपको करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि मैं आगे क्या बता रहा हूं। रेगुलेटरी जीन ए का प्रोडक्ट प्रोटीन ए है और ये प्रोटीन ए बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ, ये प्रोटीन ए आकर के बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन ए है वो ऑपरेटर के साथ आकर के बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर के साथ आकर के बाइंड करेगा किसी एक सिचुएशन में। तो जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेशन होगा। पहला क्वेश्चन, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन ए बाइंड्स टू ऑपरेटर ऑफ ओपेरॉन यक्स, ओपेरॉन यक्स के ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया है। अब आप मुझे बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन होगा, सप्रेशन होगा। जल्दी से मुझे आप आंसर लिखें, ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन हो जाएगा। श्रद्धा, ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन, ठीक है। बायोटेक्निक रिप्रेशन, मोहित तिवारी सप्रेशन, ठीक है। मनोज, ठीक है सप्रेशन। सोनी, ठीक है। प्रशांत, इनिबिशन। अजय श्रीवास्तव, सप्रेशन। बलराम, ठीक है। रतन, ठीक है। अंजलि, अंजलि, वेद प्रकाश, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने बहुत सटीक आंसर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटर पर बाइंड होने वाली प्रोटीन रिप्रेशर होती है, ऑपरेटर इज द साइट ऑन डीएनए वेयर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटीन की बाइंडिंग को जब हमने चेक किया तो ये ऑपरेटर रीजन पर है। जब कोई प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर आकर के बाइंड करती है तो वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोटर पर प्रिवेंट कर देता है। जरा ध्यान दीजिए, जब ऑपरेटर रीजन पर रिप्रेशर आके बाइंड करता है या कोई प्रोटीन आके बाइंड करती है तो वो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को ब्लॉक कर देता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, यदि हम प्रोटीन ए की बात करें तो इसने ट्रांसक्रिप्शन सेपरेशन किया है तो ये प्रोटीन ए एक रिप्रेसर है, ये प्रोटीन रिप्रेसर है, आपको ध्यान रखना है। तो ओपेरॉन यक्स का रेगुलेटरी जीन ए कोड करता है रिप्रेसर, कोड कर रहा है रिप्रेशर, हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट ओपेरॉन के ऑपरेटर पर आकर के बाइंड होता है और जब भी ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग प्रमोटर पर रोक देता है, इस वजह से ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस हो जाता है, जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ओपेरॉन यक्स है, ओपेरॉन यक्स है और इसका अपना रेगुलेटरी जीन ए है, इसका अपना रेगुलेटरी जीन ए है, इसके अपने ही जीन ने इसके ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस कर दिया है, इस वजह से आप मुझे बताएंगे ये ओपेरॉन निगेटिव कंट्रोल्ड है या फिर पॉजिटिव कंट्रोल्ड है। ये निगेटिव कंट्रोल्ड है, निगेटिवली कंट्रोल किया जा रहा है या फिर ये पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है, पॉजिटिवली कंट्रोल्ड। दूसरा क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे ये ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है।
ठीक है रंजना। ठीक है श्रद्धा। निगेटिवली बायोटेक्निक अंजलि। ठीक है निगेटिव कंट्रोल प्रशांत मनोज। अब आप कौशल। ठीक है आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, सभी लोग बहुत बेहतर आप लोग कर रहे हैं, और अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं कि ये कैसे डिसाइड हो कि कोई ऑपेरॉन निगेटिवली कंट्रोल्ड है या फिर वो पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कोई डिसाइड करे, एज ए स्टूडेंट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है। ठीक है रंजना मोहित। ठीक है आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन अब ये उठता है, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर ओपेरॉन जो आपको दिया गया है वो पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा उस ओपेरॉन के रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट से। किसी भी ओपेरॉन का रेगुलेटरी जीन जो ओपेरॉन सिस्टम से बाहर है उसका प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है। तो पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल को जब आप स्टडी करेंगे तो आप ओपेरॉन को देख करके पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल का डिसीजन नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के लिए उस पर्टिकुलर ओपेरॉन के रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट को चेक करना है। यदि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रिप्रेशर है तो ओपेरॉन नेगेटिवली कंट्रोल्ड है। यदि यही प्रोटीन इस ओपेरॉन के एक्सप्रेशन रेट को स्टिमुलेट कर देता, इस ओपेरॉन के जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर देता तो हम इस प्रोटीन को एक्टिवेटर कहते हैं और ये ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड होता। मैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूं कि आप कैसे डिसीजन लेंगे ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल का डिसीजन अपनी अंतरात्मा से कर लेते हैं। जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो ध्यान देते हैं कि हमारी आत्मा क्या कह रही है कि पॉजिटिव कंट्रोल है या नेगेटिव कंट्रोल है। तो अंतरात्मा से डिसीजन नहीं लेना है, आंखें खोल करके रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट को देखना है कि वो क्या कर रहा है, उस बेस पर हम बताएंगे पॉजिटिव कंट्रोल है या नेगेटिव कंट्रोल है। ठीक है बायोटेक्निक्स अगर सप्रेस हो रहा है प्रोडक्ट से तो निगेटिव कंट्रोल, वाइस वर्सा। ठीक है देखिए मैं इसी पॉइंट को बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझें। रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट में यदि ओपेरॉन एक्स है तो इसका रेगुलेटरी जीन ए है, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको आप समझें। तो इसका यदि प्रोडक्ट ओपेरॉन के ऑपरेटर पर बाइंड होता है तो नो डाउट ये रिप्रेसर ही है और इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस कर देगा। सप्रेशन का मतलब हो गया निगेटिव कंट्रोल। ये ओपेरॉन कैसा है, निगेटिवली कंट्रोल्ड है। अब जरा ध्यान दें, यदि इसका प्रोटीन ये प्रमोटर के अपस्ट्रीम या प्रमोटर के क्लोजली बाइंड करता और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोटर पर स्टिमुलेट कर देता, फैसिलिटेट करता। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि रेगुलेटरी जीन ए का प्रोडक्ट प्रमोटर की क्लोजली बाइंड करता, आपको आगे बताएंगे जनरली प्रोकैरियोट्स में एक्टिवेटर कहां बाइंड करते हैं, प्रमोटर के क्लोजली आके बाइंड करता और प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करने लगता, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करने लगता। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल जीन से उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट हो जाता और हम इस केस में रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट को एक्टिवेटर बोलेंगे और हम ओपेरॉन को कहेंगे वो निगेटिवली कंट्रोल्ड है। ठीक है तो
क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं? कई लोग अलग अलग ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, कई तो, लेकिन मुझे आप लोग बताएं, क्या आप पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल का डिसीजन कर लेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल का डिसीजन आप लोग कर लेंगे रेगुलेटरी जीन जैसे ही उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी? ठीक है, चलिए मैं एक केस आपके सामने और रख देता हूँ, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो वो दोबारा, ठीक है, सभी लोग केस बोल रहे हैं, मैं एक और केस आपके सामने रख देता हूँ, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, जरा इसका डिसीजन मुझे करके आप लोग बताएंगे। ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर रीजन है, और जो जीन्स हैं वो RSTT, ये तीन जीन्स हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दें। ये हमारे पास एक ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन है जिसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं RS और T, इसका अपना प्रमोटर और ऑपरेटर है। इस ओपेरॉन को कंट्रोल करने का एक रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन यक्स है, जिसका अपना प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन यक्स है जिसका अपना प्रमोटर है, ये रेगुलेटरी जीन यक्स है। ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में और कोड कर रहा है एक प्रोटीन, प्रोटीन, और ये प्रोटीन ओपेरॉन के प्रमोटर के जस्ट अप स्ट्रीम आकर के बाइंड करता है, जस्ट प्रमोटर के अप स्ट्रीम आकर के बाइंड करता है, और इस बाइंडिंग के साथ ही ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करने लगता है प्रमोटर पर, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है प्रमोटर पर। ध्यान दीजिएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोटर पर फैसिलिटेट करता है, जिसके रिजल्ट में स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में रेगुलेटरी जीन यक्स का प्रोडक्ट क्या है? रेगुलेटरी जीन यक्स का प्रोडक्ट क्या है? देखिए, बायोटेक्निक इनका क्वेश्चन है सेपरेशन, सेपरेशन आरएनए पॉलीमरेज की हाल्ट की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि जब रिप्रेशर बाइंड करता है तो डीएनए डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा रहता है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मत लगाइए कि 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, जब ऑपरेटर, आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम लोग प्रमोटर और ऑपरेटर के रिलेशन को स्टडी करते हैं, ये है प्रमोटर और ये है ऑपरेटर, जब कोई प्रोटीन ऑपरेटर पर आकर के बाइंड करती है तो जनरली जब प्रमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप करते हैं तो रिप्रेशर प्रोटीन प्रमोटर का भी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कवर कर लेता है, मास कर लेता है, इस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज नहीं हो पाती हैं। यहाँ डायमीटर से रिलेशन नहीं है, ये डायमीटर का रिलेशन नहीं है, आप इसको समझिए, ठीक है। जब ऑपरेटर पर कोई प्रोटीन रिप्रेशर प्रोटीन आके बाइंड करता है तो ऑपरेटर जनरली प्रोमोटर के साथ ओवरलैप करते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है, डायमीटर के बजाय आप उसको ऐसे समझें कि जब कोई रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड करता है तो वो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट्स को मास्क कर लेता है, एक तरह से छिपा लेता है, इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज नहीं हो रही, यही कारण है आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है, आपको इस नजरिए से समझना है, ठीक है। सभी लोगों ने एक्टिवेटर एक्टिवेटर बोला हुआ है, बहुत बढ़िया, और आप सभी लोग समझ गए हैं कि ये सिस्टम पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है, ये सिस्टम कैसा है? पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ ये कह सकता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, दो तरह का रेगुलेशन है ओपेरॉन का, वन इज पॉजिटिव कंट्रोल, वन इज पॉजिटिव कंट्रोल, जरा ध्यान दीजिएगा, दो तरह का रेगुलेशन है पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरॉन, दो तरह के हो गए, एंड सेकेंड वाज इज वन इज निगेटिव कंट्रोल, दो तरह का कंट्रोल है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है ओपेरॉन का, पॉजिटिव कंट्रोल एंड निगेटिव कंट्रोल, ठीक है। यदि पॉजिटिव कंट्रोल है तो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट एक्टिवेटर बोला जाएगा, एक्टिवेटर दैट बाइंड्स टू रेस्पेक्टिव डीएनए साइट एंड स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, स्टिमुलेट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, जबकि नेगेटिव कंट्रोल में जब आएंगे तो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रिप्रेशर होगा, रिप्रेशर आपको ध्यान रखना है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगा। तो पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन, या पॉजिटिव कंट्रोल या नेगेटिव कंट्रोल जैसे शब्द या टर्म क्यों यूज करते हैं और किस कंडीशन में यूज करते हैं, आप उसे समझ पा रहे होंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव का डिसीजन कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओपेरॉन फर्दर रेगुलेशन के बेस पर दो तरह के होते हैं, एक को हम इंड्यूसिबल कहते हैं और दूसरे को हम रिप्रेसिबल कहते हैं। चंद्र मनोज चंद्रकांत, आपका चश्मा बहुत जम रहा है आप पर, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस बेस पर अब जरा आगे बढ़ रहे हैं, ओपेरॉन को फर्दर, ओपेरॉन को फर्दर दो ग्रुप में रखा जा सकता है, एक में हम नाम देते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, वन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड सेकेंड वन इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। देखिए, जो पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन है वो आप लोग समझ चुके हैं और रेगुलेटरी जीन से डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव कंट्रोल होगा या निगेटिव कंट्रोल होगा। ओपेरॉन को फर्दर हम रेगुलेशन के बेस पर दो ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं ओपेरॉन कैन आइदर इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल भी होगा, उसी के साथ हम इंडक्शन और रिप्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। अब ये कैसे डिसाइड हो कि कोई ओपेरॉन इंड्यूसिबल है या रिप्रेशिबल है, और कौन डिटरमाइन करेगा, और इंडक्शन में क्या होगा, रिप्रेशन में क्या होगा, इंडक्शन में क्या होगा, रिप्रेशन में क्या होगा, थोड़ा इस पॉइंट को आप सभी लोग समझ लें कि ओपेरॉन को इंड्यूसिबल कब कहते हैं और रिप्रेसिबल कब कहते हैं, कैसे डिसीजन होता है, कैसे डिसीजन होगा। तो किसी ओपेरॉन में प्रमोटर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स ए बी एंड सी, आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बंद रहता है, नॉर्मल सिचुएशन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन कब कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिग्नल के रिस्पांस में, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक सिग्नल के रिस्पांस में, इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो गया और आरएनए प्रोड्यूस होने लगा, आरएनए प्रोड्यूस होने लगा, हम ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहेंगे। इस पॉइंट को फिर समझें, नॉर्मली ओपेरॉन स्विच ऑफ है, नॉर्मली ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिग्नल के रिस्पांस में जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, जो सिग्नल है उसके रिस्पांस में जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, अर्थात जो अभी तक स्विच ऑफ था वो स्विच ऑन हो गया। यदि ऐसा होता है तो हम ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहेंगे, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जबकि दूसरी तरफ यदि ओपेरॉन के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली ऑन है,
जीन्स लगातार ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, नॉर्मली जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिग्नल के रिस्पॉन्स में जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया। मतलब जो जीन्स अभी तक ट्रांसक्राइब हो रहे थे उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, अब वो स्विच ऑफ हो गया। यदि ऐसा होता है तो हम ओपेरॉन को रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिग्नल है कौन, ये सिग्नल कौन है, हम कैसे ये जाने कि कौन सा सिग्नल इंडक्शन करेगा और रिप्रेशन करेगा। तो आप जरा ध्यान देंगे, मैंने आपको शुरू में कहा कि ओपेरॉन में जनरली वो जीन्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में या तो कैटाबॉलिज्म होगा या फिर एनाबॉलिज्म होगा। यदि कैटाबॉलिज्म है तो फिर किसी बायोमोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना है, और यदि एनाबॉलिज्म है तो किसी बायोमोलिक्यूल को बनाया जाना है। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो लैक्टोज है, लैकोपेरॉन के लिए लैक्टोज आप जानते हैं, लैक्टोज का जो ओपेरॉन है उसे लैकोपेरॉन कहते हैं, और जब लैकोपेरॉन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लैक्टोज यूटिलाइजेशन। या मैं सिंपली एक पॉइंट और कह दूं, देन इसके बाद बताऊं, जितने भी ओपेरॉन आप पढ़ते हैं, जैसे लैकोपेरॉन लैक्टोज का ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ट्रिप्टोफेन का ओपेरॉन है, अरेबिनोज ओपेरॉन अरेबिनोज का ओपेरॉन है, ठीक है, प्यूरीन ओपेरॉन प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस का ओपेरॉन है। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम सिग्नल कह रहे हैं, ये सिग्नल कन्वे होता है मेटाबॉलिक कंपाउंड से, मेटाबोलाइट से ये सिग्नल डिसाइड होगा, मेटाबोलाइट्स। तो जितने भी ओपेरॉन आप जानते हैं उन ओपेरॉन का नाम ही किसी मेटाबॉलिक कंपाउंड के नाम पर है। मैं बहुत ज्यादा उसको टेक्निकली इधर उधर नहीं ले जा रहा हूं, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इंडक्शन और रिप्रेशन कैसे डिसाइड हो, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इंडक्शन और रिप्रेशन का डिटर्मिनेशन ओपेरॉन का मेटाबॉलिक कंपाउंड डिसाइड करेगा। अब ये मेटाबॉलिक कंपाउंड कौन होगा, ये मेटाबॉलिक कंपाउंड वही है जिसके नाम पर ओपेरॉन का नाम है, जैसे लैक्टोज ओपेरॉन लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन में वो जीन्स हैं जिनके प्रोडक्ट लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में वो जीन्स हैं जिनके प्रोडक्ट ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो जिन ओपेरॉन के नाम आप जानते हैं वो सभी नाम किसी न किसी मेटाबॉलिक कंपाउंड से दिए गए हैं, और वही मेटाबॉलिक कंपाउंड डिसाइड करेगा कि ओपेरॉन इंड्यूसिबल है या रिप्रेसिबल है, ठीक है। यदि सेल में लैक्टोज नहीं है, फॉर एग्जांपल जरा ध्यान दीजिएगा, यदि सेल में लैक्टोज नहीं है तो लैकोपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, अर्थात सिस्टम जो ओपेरॉन सिस्टम है वो स्विच ऑफ है। और जैसे ही लैक्टोज सेल में इंटर होता है और इसके इंटर होते ही लैकोपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया, तो जो अभी तक एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, जो स्विच ऑफ था, और मेटाबोलाइट के आते ही एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया, तो फिर हम कहेंगे इंडक्शन हो गया है, ठीक है। और लैक्टोज को इंड्यूसर कहेंगे और सिस्टम को या ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहेंगे। दूसरी तरफ यदि नॉर्मली लैक्टोज का ओपेरॉन ट्रांसक्राइब हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लेकिन जैसे ही लैक्टोज सेल में इंटर किया तो लैकोपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, ऐसी कंडीशन में हम लैक्टोज को रिप्रेशर या को रिप्रेसर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर तो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है, इसे को रिप्रेसर कहेंगे, और जो सिस्टम होगा वो रिप्रेसिबल हो जाएगा। तो किसी भी ओपेरॉन का इंडक्शन और रिप्रेशन उसके मेटाबोलाइट से डिसाइड होता है, आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। किसी भी
ओपेरॉन का इंडक्शन और रिप्रेशन डिसाइड होगा ओपेरॉन के अपने मेटाबोलाइट से। जिस मेटाबोलाइट का वो ओपेरॉन है वही डिसाइड करता है। यदि उस मेटाबोलाइट के आने से ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो इंडक्शन, और यदि उस मेटाबोलाइट के आने से ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया स्ट्रक्चरल जीन्स का, तो फिर हम कहेंगे रिप्रेशन। आपको ध्यान रखना है, और ओपेरॉन होगा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? रंजना, ठीक है रंजना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? महिमा, मोहित, अंजलि, बलराम, आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो जब कभी भी हम किसी ओपेरॉन के बारे में लिखते हैं, मैं यहां पर आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और आप समझ जाएंगे। जब हम लोग लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ते हैं, तो लैक्टोज ओपेरॉन एक पॉजिटिवली या निगेटिवली कंट्रोल्ड, हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, आप जरा समझिए। लैक जो ओपेरॉन है, मैं पहले क्लियरली लिख देता हूं कैसा है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये निगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी भी ओपेरॉन के बारे में जब हम लोग लिखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल के साथ साथ इंडक्शन और रिप्रेशन लिखते हैं। यदि मैं लैक ओपेरॉन की बात करूं, तो लैक ओपेरॉन एक नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। तो देखिए जरा हमें इससे क्या जानकारी मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ओपेरॉन के बारे में। जो ओपेरॉन है उसका रेगुलेटरी जीन, जो ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन, उसका रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर कोड करता है। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रिप्रेसर है, तभी तो ये निगेटिवली कंट्रोल्ड हुआ। और दूसरी तरफ आगे लिखा है इंड्यूसिबल, इसका मतलब ये ओपेरॉन लैक्टोज का है और लैक्टोज के आने से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली ये स्विच ऑफ रहता है, लेकिन जैसे ही लैक्टोज आया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, तभी तो हम इंड्यूसिबल कह रहे हैं, तभी तो हम इसे इंड्यूसिबल कह रहे हैं। यदि यहीं पर केस होता निगेटिवली कंट्रोल्ड, यदि यहीं पर केस होता निगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती? जो ओपेरॉन है उसके रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रिप्रेशर है, तभी तो ये निगेटिवली कंट्रोल्ड हुआ। और जिस मेटाबोलाइट के लिए ये ओपेरॉन है, उस मेटाबोलाइट के अपियर होते ही ओपेरॉन के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जा रहा है। अर्थात जब वो मेटाबॉलिक कंपाउंड, जिसे हम सिग्नल भी कह रहे हैं, वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक कंपाउंड जैसे ही सेल में अपीयर होता है, उसके अपीयरेंस के साथ ही स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस होने लगा है, तभी तो हम रिप्रेशन कह रहे हैं। तो इंडक्शन और रिप्रेशन डिसाइड होता है मेटाबोलाइट से। ये मेटाबोलाइट कौन होगा? तो इसका आंसर है, जिस ओपेरॉन को आप पढ़ रहे हैं उसी ओपेरॉन का नाम ही उस मेटाबोलाइट के नाम पर है। ठीक है, आप सभी लोग इस पॉइंट को यहां तक समझ रहे हैं? चंद्रकांत ने कहा है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज बताया हुआ है ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन में कितने प्रमोटर होंगे, कितने स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, क्या सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल आरएनए में होगा या अलग-अलग आरएनए में होगा, और उस आरएनए में जितने भी ओपन रीडिंग फ्रेम है या कहें जितनी भी प्रोटीन्स की कोडिंग इंफॉर्मेशन है, वो एक ही प्रोटीन में ट्रांसलेट होगी या अलग-अलग प्रोटीन में ट्रांसलेट होंगी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। सभी ओपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर जीन होता है, जिसे रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। वो ओपेरॉन स्ट्रक्चर से बाहर होता है, उसी डीएनए मॉलिक्यूल पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और उसका अपना प्रमोटर होता है, उस प्रमोटर से वो इंडिपेंडेंटली हाउसकीपिंग मैनर में ट्रांसक्राइब होता है, और उसका प्रोडक्ट
या तो एक्टिवेटर होगा या रिप्रेशर होगा, वो ओपेरॉन को या तो स्टिमुलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए या फिर उसको सप्रेस करेगा। इसके बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ओपेरॉन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है या निगेटिवली कंट्रोल्ड है। जैसे आपका दोस्त, आपका अपना दोस्त ही आपको ये कहे कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपका होने वाला कुछ नहीं है, आपका अपना दोस्त आपको ये कहता है कि आप कितना भी मेहनत करें, कितनी भी पढ़ाई कर लें लेकिन आगे आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो वो आपका निगेटिव कंट्रोल है। आपका दोस्त भी है और आपको निगेटिवली रेगुलेट भी कर रहा है, आपको मायूस कर रहा है। लेकिन एक दोस्त आपका ऐसा हो जो आपसे कहे कि नहीं बहुत अच्छा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बेहतर रिजल्ट आएंगे, आप और मेहनत करें, तो वो आपका पॉजिटिव रेगुलेटर हुआ। तो रेगुलेटरी जीन, ओपेरॉन का अपना रेगुलेटरी जीन ही या तो एक्टिवेटर होगा या रिप्रेसर होगा, उससे डिसीजन होगा वो पॉजिटिव कंट्रोल्ड है या निगेटिव कंट्रोल्ड है। रेगुलेशन के बेस पर ही हम लोग इस ओपेरॉन्स को इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल भी कहते हैं। इंडक्शन और रिप्रेशन का डिसीजन मेटाबोलाइट करता है जिसका वो ओपेरॉन है। जिस मेटाबोलाइट का ओपेरॉन है वही मेटाबोलाइट डिसाइड करेगा कि इंडक्शन होगा या रिप्रेशन होगा। तो इंडक्शन और रिप्रेशन के लिए हमें कुछ और नहीं देखना है, हमें मेटाबोलाइट देखना है उस ओपेरॉन। यदि मेटाबोलाइट नॉर्मली जीन्स, जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं, जब मेटाबोलाइट नहीं है तो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं, स्विच ऑफ है, जैसे ही मेटाबोलाइट आया जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया तो आप समझ लीजिए इंडक्शन हो गया। तो मेटाबोलाइट के आने से यदि जीन एक्सप्रेशन ट्रिगर हो गया है तो इंडक्शन, मेटाबोलाइट नहीं था तो जीन्स ट्रांसक्राइब हो रहे थे और जैसे ही मेटाबोलाइट अपीयर हुआ तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, तो ये रिप्रेशन। ठीक है माई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो अवेलेबल होंगे, जो नहीं होंगे मैं देख लूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, तो मैंने आपको ओपेरॉन्स के बारे में यहाँ तक डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि लैक्टोज ओपेरॉन क्या है, लैक ओपेरॉन कल डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन को डिस्कस करेंगे। तो ओपेरॉन में अब मेरे लिए आसानी ये होगी, मैं आपको इजीली पढ़ा सकता हूँ कि पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, निगेटिव कंट्रोल क्या है, रेगुलेटरी जीन क्या है। केवल अब हमें ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स, उनके प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है और पॉजिटिव रेगुलेशन निगेटिव रेगुलेशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट जीन एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन रेट कैसे डिसाइड होगा, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को मेरा गुड नाइट। रंजना, प्रशांत, चंद्रकांत, ठीक है, श्रद्धा, सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट तिवारी जी, ठीक है, बिलाल, बलराम, सभी लोग।